हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सबके सामने लाया हूँ एक ब्राइडल मेकअप विद कलरफुल आई मेकअप। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये कलरफुल आई मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है और ये जो हमारा फाउंडेशन है इतना फ्लोलेस एंड इतना इवन एंड इतना सटल कैसे लग रहा है और मैंने कौन सा बेस यूज़ किया है। तो मैं बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ लेके आया हूँ ब्राइडल मेकअप विथ कलरफुल आई मेकअप। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना ब्राइडल विथ कलरफुल आई मेकअप। सबसे पहला स्टेप है हमारा आईब्रो फिल। आईब्रो जो फिल कर रहा हूँ मैं एंगुलर ब्रश के साथ करना है और जहाँ से आपकी आईब्रो का आर शेप बनता है आपको वहाँ से टच करना है। और जो आईब्रो के लिए मैंने जो कलर यूज़ किया ये फॉरएवर 52 का है ब्राउन जेल लाइनर। तो आईब्रो को बहुत अच्छे से फिल करना है, कहीं से भी आईब्रो में से स्किन, आईब्रो की स्किन नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से फिल करना है आपको। जब आईब्रो अच्छे से फिल हो जाए फिर हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। जो मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ ये सॉपेल का कंसीलर है शेड नंबर 1। दोनों आइज़ पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है। फ्लैट ब्रश से आईब्रो से बिल्कुल अटैच होते हुए आपको कंसीलर को अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जितना भी हमारा ब्राउन शेड अगर नीचे आया होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्लीन अप हो जाएगा और हमारा आईब्रो बिल्कुल शार्प एंड बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग दिखेगा। आई बेस तैयार हो जाए फिर हम अप्लाई करेंगे आई शेड्स। आई शेड्स आपको अप्लाई करना है। तो आई शेडो यूज़ करने से पहले मैं आपको आई शेडो का नाम बता देता हूँ। मैं जो आई शेडो यूज़ कर रहा हूँ ये बी परफेक्ट है, कानविल, लव डैट इट। इसमें से सबसे पहले हम एक लाइटर शेड लेंगे, लाइक पीच पिंक एक कलर लेना है आपको और पूरे आईज पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। जहाँ से हमारे आईब्रो का आर्च शेप बनता है आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है और आपको एक लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और पीच कलर को अच्छे से अप्लाई कर देना है। हम एक ब्लू कलर लेंगे और जहाँ से हमारा आईब्रो का आर्च शेप बनता है आपको वहाँ से टच करना है। आपको एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, 229 है PSC का ब्रश। ब्लू कलर लेना है आपको। ब्लू कलर जो हमारा आईबॉल है, आईबॉल के बैक साइड से आपको कलर लगाना, अप्लाई करना है। पहले आपको कलर डैप डैप करके अप्लाई करना है ताकि जो कलर की इंटेंसिटी है वो अच्छे से विजुअल हो। फिर क्रिज लाइन को फॉलो करते हुए आपको आगे की साइड जाना है या फिर आईबॉल तक ही रखना है ब्लू। फिर एक ब्रश आपको और लेना है जिसमें कोई कलर ना हो और ब्लू कलर को बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको मर्ज करते हुए आईबॉल से आगे जाना चाहो तो आप आईबॉल से आगे भी जा सकते हो या फिर आपको आईबॉल तक रखना है तो आप आईबॉल तक भी रख सकते हो। और कुछ अच्छे से शेडिंग में लाना है, ऊपर लाइटर नीचे डार्कर। जब दोनों आइज पे ब्लू कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर आपको एक लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। जो क्रिज लाइन है, जो क्रिज लाइन के जो ऊपर ब्लू शेड है उसको अच्छे से मर्ज कर लेना है ताकि हमारा आई शेड बिल्कुल शेडिंग में, ऊपर लाइट है नीचे डार्कर। जब आपका ब्लू कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर हम करेंगे कट क्रीज। कट क्रीज आपको हाफ कट क्रीज करना है आईबॉल के बैक साइड तक। छोटे छोटे स्टॉक्स लेने हैं आपको कट क्रीज करने के लिए और इसके लिए आपको फ्लैट ब्रश लेना है। कंसीलर हमने सेम लिया है, सॉपेल का कंसीलर है शेड नंबर 1 और क्रिज लाइन को अच्छे से फॉलो करते हुए आपको इसको कट कर लेना है। जब आपका हाफ कट क्रीज अच्छे से हो जाए, कट क्रीज को अच्छे से फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग करने के बाद आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है, आई शेडो का फ्लैट ब्रश लेना और उसमें कॉम्पैक्ट लेना, कॉम्पैक्ट या फिर कोई भी एक वाइट कलर का आई शेड ले लेना और जो भी कंसीलर हमने अप्लाई किया उसको अच्छे से इसको लॉक करना है, डैप डैप करके अच्छे से लॉक कर लेना है। फिर इसके बाद आप कोई भी शेड अप्लाई करोगे तो वो अच्छे से शो होगा जैसे कि आप सेकेंड आइज में देख भी रहे हो। फिर इसके बाद आपको फिर से अगेन ब्लू कलर लेना है, ब्लू कलर लेना है और डैप डैप करके ब्लेंड करते हुए आपको आईबॉल तक अप्लाई करना है। आईबॉल तक अप्लाई करना बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको टैप टैप करके ब्लू कलर को ही आगे तक आपको लेके जाना है। ब्लू कलर अप्लाई होने के बाद इसके बाद आपको एक ग्रीन कलर लेना है। ग्रीन कलर को भी आप डैप डैप करके एंड ब्लेंडिंग करते हुए आपको आईबॉल तक अप्लाई करना है। आपका देखो आई शेड बैक साइड से भी डार्कर टू लाइटर होना चाहिए और ऊपर से भी नीचे। डार्क ग्रीन के बाद आपको पैरेट ग्रीन कलर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे येलो कलर भी अप्लाई कर सकते हो लेकिन आपको एक पैरेट ग्रीन कलर लेना है और डैप डैप करके ही आपको अप्लाई करना है, डैप डैप करके। और जब भी शेड अप्लाई करो तो जहाँ से हमारा आईब्रो का आर शेप बनता है आपको यहाँ से स्ट्रेच करके ही रखना है, डैप डैप एंड ब्लेंड करते हुए आपको आईवॉल टू इनर कॉर्नर तक जाना है। फिर हम इनर कॉर्नर एक हाईलाइटेड शेड अप्लाई करेंगे, हाईलाइटेड शेड अप्लाई करेंगे जिससे हमारी इनर कॉर्नर और भी ज़्यादा अच्छे से हाईलाइटेड लगे। और हमारा जब आई शेड अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर हम आई लैसेस अप्लाई करेंगे। आई लैसेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आई मैजिक की है, L05 नंबर है और जो रियल आई लैसेस है उसी के ऊपर आपको प्रेस करके अप्लाई करनी है। आई लैसेस अप्लाई हो जाए तो फिर उसके बाद हम काजल अप्लाई करेंगे। काजल पहले आपको अपर आई लैसेस पे अप्लाई करना है और इनर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई करना है, जिससे आपके लाइनर और काजल की एक जैसी शेप आए। और फिर आपको वाटर लाइन पे आपको अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हो सबसे पहले हमने इनर कॉर्नर पे ही काजल अप्लाई किया है। इससे क्या होगा, कई बार क्या होता है आई लैसेस हमारी आगे से फ्रंट से उठी हुई लगती है, तो वो चीज़ नहीं दिखेगी इसमें। आप काजल इनर कॉर्नर बहुत अच्छे से अप्लाई करो। इनर कॉर्नर पर अच्छे से अप्लाई हो जाने के बाद आपको वाटर लाइन पे भी काजल आपको अप्लाई करना है, इनर टू आउटर। काजल के बाद हम लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर हमें कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है, जो हमारे आई लैसेस है आई लैसेस से बिल्कुल अटैच होते हुए लाइनर अप्लाई होना चाहिए। जहाँ से हमारा आईब्रो का आर शेप एंड एंडिंग है, वहाँ से आपको स्टच करना है। एक ऊपर एक बैक साइड की साइड स्टच करना है और लाइनर को आपको अप्लाई करना है। लाइनर लगाने का सबसे सिंपल तरीका है, अप्लाई होने के बाद लाइनर को अच्छे से फिनिशिंग शेप देना है। लाइनर जब भी आप अप्लाई करो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आई लैसेस है उससे बिल्कुल अटैच होते हुए लगना चाहिए, कोई भी गैप नहीं दिखना चाहिए। और अगर आप विंग लाइनर लगाना चाहो तो आप विंग लाइनर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास एक एंगुलर ब्रश होना चाहिए। जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये क्रायलॉन का ब्रश है, इसका नंबर है 3638 है, एंगुलर ब्रश है लाइनर का। आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग ब्रश है। तो हमारा आई मेकअप कंप्लीट है। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद फेस को अच्छे से क्लीन करना है। फेस क्लीन करने के बाद फर्स्ट स्टेप होगा हमारा बेस एप्लीकेशन से पहले ऑयल प्लस प्राइमर पूरे फेस पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। आपको फिंगर से या फिर एक पफी ब्रश होता है, उससे आपको पूरे फेस पे मर्ज कर देना है। चौथा हैंड से भी आप अच्छे से फिंगर से आपको पूरे फेस को मर्ज कर देना है ऑयल प्लस प्राइमर। सेकेंड स्टेप है हमारा ल्यूमिनेटर। ल्यूमिनेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आइकॉनिक का ल्यूमिनेटर है, इसको भी आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जिससे हमारा बेस थोड़ा ड्यूई एंड ग्लासी लुक लगे। अच्छे से ब्रश से इसको पूरे फेस पे अच्छे से आपको मर्ज कर देना है। सॉफ्ट हैंड ल्यूमिनेटर के बाद हम कलर करेक्टर अप्लाई करेंगे। जो हमारा थर्ड स्टेप है कलर करेक्टर है। कलर करेक्टर को आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहीं पर आपको कलर करेक्टर अप्लाई करना है। जो मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ ये एलेगल का है ऑरेंज कलर करेक्टर। ब्लैकनेस की जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो ब्लैकनेस की, वहाँ पे आपको कलर करेक्टर आपको यूज़ करना है। कलर करेक्टर के बाद आपको फॉरएवर 52 का कंसीलर व्हील है, ये कंसीलर व्हील आपको यूज़ करना है। आप इसको बहुत ही लाइट वेट में आप यूज़ करोगे। जो भी हमारे फेस का अंडरटोन है अंडरटोन को बहुत ही अच्छे से हाइड कर लोगे। इससे क्या होगा, जब आप कंसीलर व्हील यूज़ करते हो तो आपके जो फाउंडेशन है फाउंडेशन की क्वांटिटी भी बहुत कम लगती है, और फाउंडेशन में जो हम बेस अप्लाई कर रहे हैं या फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्लॉलेस दिखेगा, बिल्कुल इवन एंड स्मूथ लुक आएगा। अगर आप कंसीलर व्हील आप यूज़ करते हो पहले बेस से पहले तो ब्लेंडर लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से आपको डैब डैब करना है। कोई भी ब्रश के स्ट्रोक नहीं होने चाहिए। आप सर पे हैंड मत रखना, मैंने रख लिया है। सर पे आप हैंड बिल्कुल भी नहीं रखना, कम से कम कोशिश करनी है क्लाइंट को टच करने की। डैब डैब करके अच्छे से पूरे फेस पे अपना जो कंसीलर व्हील हमने यूज़ किया है ये बहुत ही अच्छे से सेट कर देना है। कहीं पे भी ब्रश के स्ट्रोक नहीं होने चाहिए। कंसीलर व्हील के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ ये सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन है, शेड नंबर है 05, शेड नंबर है। आपको यूज़ करना है मीडियम स्किन टोन के लिए। और जो सॉफ्टवेयर का फाउंडेशन है वो आपको डैब डैब करके अप्लाई करना है। पहले आपको हाफ फेस कवर करना है, फिर हाफ को हाफ फेस कवर करना है। लेकिन जो भी प्रोसेस रहेगा वो हमेशा डैबिंग फॉर्म में ही आपको अप्लाई करना है। फाउंडेशन जितने भी फाउंडेशन आप अप्लाई करो डैबिंग फॉर्म में ही आपको अप्लाई करना है। जब बेस पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए फिर हम सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे। जो सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये PAC का है, माइक्रो फिनिशिंग मेकअप फिक्सर भी है और सेटिंग स्प्रे भी है। इसको पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है, फिर फैन से आपको इसको ड्राई कर देना है। फिर हम जब बेस एप्लीकेशन हो जाए फिर हम कंटूरिंग करेंगे। पहले नोज़ के दोनों साइडों पे हम डार्कर कलर अप्लाई करेंगे। जो मैं कंटूरिंग शेड यूज़ कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का ही है, ब्राउन कलर। नोज़ के दोनों साइडों पे आपको डार्कर कलर अप्लाई करना है और सॉफ्ट हैंड से आपको मर्ज कर देना है। चिक्स बोन कंटूर करेंगे। चिक्स बोन कंटूर करना है आपको, चिक्स बोन एंड जॉ लाइन अच्छे से कंटूर करना है। कंटूर करने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर से आपको मर्ज कर देना है। फिर जब हमारा कंटूरिंग हो जाए, कंटूरिंग के बाद हम लिक्विड ब्लशर यूज़ करेंगे चिक्स बोन पे। ये जो मैं ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ ये रेवोल्यूशन का है। डॉट डॉट करके आपको अप्लाई करना है। डॉट डॉट अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर बाद ही आपको ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैब डैब एंड नीचे की साइड आपको मर्ज कर देना है डैबिंग फॉर्म में ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। फिर इसके बाद हम करेंगे फीचर्स हाइलाइटिंग। लिक्विड ब्लशर के बाद फीचर्स हाइलाइटिंग आपको यूज़ करना है। फीचर्स हाइलाइटिंग के लिए जो मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ ये हुडा ब्यूटी का है मास मेलो। आपको अपोजिट पार्ट्स पे आपको अप्लाई करना है। चाहो तो फीचर्स हाइलाइटिंग के बाद भी आप लिक्विड ब्लशर यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप पहले भी आप यूज़ करना है। और ये हुडा ब्यूटी का मास्क मेलर अच्छे से अप्लाई करना है अपोजिट पार्ट्स पे। फिर ब्यूटी ब्लेंडर आपको लेना है, ब्यूटी ब्लेंडर से आपको डैब डैब करके पूरे फेस पे आपको अच्छे से डैबिंग फॉर्म में आपको अच्छे से सेट कर देना है। फिर पूरे फेस पे आपको लूज पाउडर अप्लाई करना है। जहाँ पे हमने लिक्विड ब्लशर अप्लाई किया था वहाँ पे आपको नहीं करना है, और ना कंटोरिंग एरिया पे आपको लूज पाउडर अप्लाई करना है। और बाकी पूरे फेस पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है डैप डैप करके एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। जो मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रहा हूँ ये है हमारा, जो लूज़ पाउडर है ये हुडा ब्यूटी का है कफ केक पाउडर है। इसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है डैबिंग फॉर्म में। लूज़ पाउडर के बाद आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना। सेम सेटिंग स्प्रे मैं यूज़ कर रहा हूँ ये PAC का माइक्रो फिनिशिंग। इसमें क्या होगा, जितना भी हमारा एक्सेस लूज़ पाउडर होगा वो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, स्किन में मर्ज हो जाएगा मेकअप फिक्सर के साथ। सेटिंग स्प्रे के बाद आपको अंडर एरिया लूज़ पाउडर अप्लाई करना है। अब हम करेंगे लोअर लैश स्मर्ज। स्मर्ज करने से पहले आपको क्या करना है, अंडर एरिया अच्छे से लूज़ पाउडर अप्लाई कर लेना है। फिर हम लोअर लैश को अच्छे से स्मर्ज करेंगे। लोअर लैश को स्मर्ज करने से पहले कोई भी एक कलर लेना, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, जो भी आपको कलर लेना आप वो ले सकते हो। और स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेना है। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का जो नंबर है 018 है, ये PAC का है। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लोअर लैश से बिल्कुल अटैच होते हुए आपको कलर्स को अच्छे से अप्लाई करना है। और जो हार्श लाइन होती है उसको बहुत ही अच्छे से मर्ज कर देना है। इसमें भी शेडिंग आनी चाहिए लोअर लैश में, लाइटर टू डार्कर, डार्कर टू लाइटर शेडिंग आनी चाहिए। फिर जो इनर कॉर्नर है यहाँ पे भी आपको वाइट कलर अप्लाई करना है। वाइट कलर, जब भी वाइट कलर अप्लाई करो तो उस पर मेकअप फिक्सर आपको अप्लाई करके ही अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा उसका फॉल कम हो। फिर आपको एक और ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसको साथ में मर्ज कर देना है। फिर हम क्रिज लाइन जो हमने कट किया था उसी के ऊपर जस्ट हम एक ग्लिटर लाइनर अप्लाई करेंगे। जो मैं ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रहा हूँ ये हर्स ब्यूटी का ग्लिटर लाइनर है, मल्टी कलर का है। इसको जो क्रिज लाइन जो हमारा जो आई शेडो में जो कट है, जो हमने हाफ कट क्रिज किया उसी को जस्ट फॉलो करते हुए आपको ग्लिटर लाइनर अप्लाई करना है बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। और जहाँ से हमारा आईब्रो का आर शेप बनता है आपको वहाँ से स्टच कर लेना है। स्टच करने के बाद आपको ग्लिटर लाइनर अप्लाई करना है। जब हमारा ग्लिटर लाइनर अप्लाई हो जाए, अब देखो जब हमने ग्लिटर लाइनर अप्लाई कर दिया तो हमारा आई मेकअप कितना बोल्ड लग रहा है। तो अब इसके बाद हम करेंगे फेस हाइलाइटर। फेस हाइलाइटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फॉरएवर 52 का है, शेड नंबर है ILU002, गोल्डन कलर है। आप इसको चिक्स बोन पे, जॉ लाइन पे, अपर लिप्स, नोज, टी जोन एरिया आपको अप्लाई करना है। डैब डैब एंड ब्लेंडिंग करके आपको अप्लाई करना है। फेस हाइलाइटर के बाद हम ब्लशर अप्लाई करेंगे। जो मैं ब्लशर यूज़ कर रहा हूँ ये आई मैजिक का ब्लशर है, ब्लशर पैलेट है। इसमें से पीच, पिंक शेड दोनों हमने यूज़ किए हैं। पहले आपको डैब डैब करना है, डैब डैब करने के बाद आपको ब्लेंड करना है। ब्लशर लगाते वक्त हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका कंटोरिंग एरिया, कंटोरिंग से नीचे आपका ब्लशर नहीं आना चाहिए। ब्लशर के बाद हम लिप कलर अप्लाई करेंगे। लिप कलर से पहले लिप पेंसिल से आउटलाइन बनाएंगे। जो आउटलाइन के लिए लिप पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं ये है नायका की लिप पेंसिल है। इसका नाम है फ्लाइट पिलो करके है। आउटलाइन को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसको फिल करना है आपको। जो हम लिप कलर फिल करेंगे वो है हमारी सॉपरल के आई शेडो पैलेट में, न्यूड कलर है। न्यूड कलर आपको अप्लाई करना है क्योंकि आईज हमारी बोल्ड है तो लिप कलर थोड़ा हम सटल ही रखेंगे। फिर जब आपका लिप कलर अप्लाई हो जाए फिर हम लास्ट में मेकअप फिक्सर अप्लाई करेंगे। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। आप देख सकते हो ये ब्राइडल लुक हमारा बिल्कुल कंप्लीटली लुक है विथ हेयर स्टाइल।